के सिविल लाइन इलाके में आपसी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद को लेकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। दरअसल मामला 30,000 कोर्ट के पास DDA फ्लैट्स से सामने आया है। चश्मदीदों के मुताबिक दो युवक खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे। उसकी पहचान करते हुए लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक परिवार के लोग मीडिया से बात करने से बचते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जब हम लोग एक्चुअली यहाँ पर कल एक शादी थी, हम सभी लोग उसमें शादी में गए हुए थे, तो शादी में से हम लोग आए हुए थे, इधर कपड़े वपड़े बदल लिए, तो बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे ऐसे ही, तो थोड़ा सा शोर सुनाई दिया बाहर को, ये ऐसे तो बाहर हमने निकल के देखा तो वो यहाँ पड़े हुए थे, पिस्टल भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। फिर सभी लोग कॉलोनी वाले बाहर निकल के आए और उनको जो था फौरन पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर पर कॉल करने के बाद में उनको फिर हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ से लोग जितना जल्दी हो सका फटाफट हॉस्पिटल लेके चले गए, तभी पुलिस वाले आ गए, पुलिस आ गई, पुलिस फिर अपने काम में लग गई।